इंदौर की एक घटना और लोक प्रचलित कथा है कि एक बार महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर जी के बेटे मालेराव होलकर का रथ निकला बाजार से और उस रथ से बछड़े की टकरा कर मृत्यु हो गई। दूर खड़ी बछड़े की माँ फिर आकर अपने मरे बछड़े के पास दुखी होकर बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद में उसी रास्ते से महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर जी का रथ भी गुजरा और जब उन्होंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े के पास बैठी उदास है तो उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि इस बछड़े को ज़रूर किसी ने मारा है, ज़रूर इसका एक्सीडेंट हुआ है। उन्होंने आसपास के लोगों से मालूम किया तो पता चला कि थोड़ी देर पहले उनके बेटे का रथ निकला था जिससे टकरा कर बछड़ा चल बसा। अहिल्याबाई होलकर बहुत गुस्से में आ जाती हैं। वो तुरंत दरबार में पहुंची और मालेराव की पत्नी को बुलाया, उनसे पूछा कि तुम बताओ अगर एक बच्चे की जान ले ली जाए उसकी माँ के सामने तो जो जान ले रहा है उसको क्या दंड मिलना चाहिए। मालेराव की पत्नी ने कहा कि उसे प्राण दंड मिलना चाहिए और महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने ऐलान कर दिया कि मालेराव के हाथ पैर बांध दिए जाएं, सड़क पर डाल दिया जाए और रथ से टकरा कर उनकी मृत्यु हो जाए। मगर कहते हैं कि उस रथ का सारथी बनने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। जो उनके लोग थे वो ये कह रहे थे कि आप माफ कर दीजिए ना, आप ऐसा मत कीजिए, मालेराव आपका बेटा है। लेकिन महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने न्याय कर दिया था। जब कोई भी तैयार नहीं हुआ तो वो खुद रथ पर बैठ गई, सारथी बन गई और अपने ही बेटे को कुचलने के लिए तैयार हो गई। लेकिन तब तक ऐसी एक घटना घटी जो कथा बन गई। लोक प्रचलित कथा कहती है कि जब वो रथ पर सवार होकर अपने ही बेटे को दंड देने के लिए आगे बढ़ी तो गाय जिसके बछड़े की मृत्यु हो गई थी, जिसके बछड़े को मालेराव के रथ ने टक्कर मार दी थी, वो ही गाय बार बार रथ के आड़े आने लगी। वो बार बार रास्ते में आ रही थी तब मंत्री ने महारानी जी से कहा कि माफ़ कर दीजिए अपने पुत्र को, शायद गाय भी यही चाहती है कि अब किसी और के बच्चे की उसकी माँ के सामने जान ना जाए। महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने अपने बच्चे को माफ़ कर दिया और वो गाय जो बार बार आड़े आ रही थी उसी वजह से उस बाजार का नाम इंदौर में आड़ा बाजार रखा गया। अहिल्याबाई से जुड़ी दूसरी कहानी में आपको पता लगेगा कि अहिल्या जी कभी घबराई नहीं, उनके पास हमेशा हर चीज़ का उपाय मौजूद था। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 1754 में कुंभेर युद्ध में जब इनके पति शहीद हो गए तो उस वक्त सती प्रथा बहुत प्रचलित थी और ये चाहती थी कि सती हो जाए। तब उनके ससुर जी मल्हार राव होलकर ने इन्हें मना किया कि नहीं, आपको आगे जाकर इस साम्राज्य को संभालना है। 12 साल के बाद में ससुर जी की भी मृत्यु हो गई, उसके एक साल के बाद इनके बेटे की भी मृत्यु हो गई, तो फाइनली 1767 में इनको वो साम्राज्य संभालना ही पड़ा। जब ये इंदौर की महारानी बनी तो जो आसपास के पेशवा थे, राजा थे, उनको ये रास नहीं आया कि वो एक महिला गद्दी पर बैठी है, तो उन्होंने प्लान किया कि अब हम आक्रमण करते हैं, क्योंकि अहिल्या एक महिला है और कमज़ोर भी, तो चलो इस साम्राज्य को हथिया लेते हैं। इसी प्लानिंग के साथ वो सभी इंदौर के पास पहुंच गए। अब क्या किया जाए? तो महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने अपने सेनापति तुकोजी राव के हाथों एक चिट्ठी भिजवाई। चिट्ठी उन्होंने खुद लिखी थी और उसमें लिखा था कि पेशवा साहब, अगर आप युद्ध के लिए आमादा हैं तो आज ही हम इंदौर के दरवाजे खोल देते हैं और युद्ध करने के लिए तैयार हैं, हमारी स्त्रियों की सेना लड़ने के लिए तैयार है। जी हाँ, अहिल्याबाई ने अपनी एक स्पेशल स्त्रियों की सेना बनाई थी। अहिल्याबाई ने लिखा कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं, लेकिन सोचिए कि अगर आपने हमें हरा दिया तो इतिहास क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे कि कमज़ोर स्त्री जो कि शोक में डूबी हुई थी उसको हरा दिया और महान बन गए। सोचिए कि यदि हम जीत गए तो इतिहास क्या कहेगा कि एक नारी की सेना के सामने टिक नहीं पाए बड़े बड़े पेशवा। ज़रा गौर से सोचिए, बस इतना ही आपसे कहना है। इसके बाद ये जो चिट्ठी थी वो किसी तीर से भी ज़्यादा चुभी थी पेशवाओं को। उन पेशवाओं ने तुरंत चिट्ठी लिखी कि रानी साहिबा माफ़ कीजिएगा, आपने गलत समझ लिया, हम युद्ध के इरादे से नहीं आए, हम तो शोक व्यक्त करने के लिए आए थे। इस तरीके से बिना जंग लड़े ही, बिना युद्ध लड़े ही महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर ने वो युद्ध जीत लिया था। अहिल्याबाई की इस कहानी में तीसरी कड़ी है उनकी भक्ति की। महारानी अहिल्याबाई होलकर जी भगवान शंकर की बहुत बड़ी भक्त थी। अपने पूरे शासनकाल में उनकी सिर्फ ये कोशिश रहती थी कि मुस्लिम इन्वेडर से अपने राज्य को बचाया जाए। उनकी ये भी कोशिश रहती थी कि धर्मशालाओं का निर्माण करवाया जाए, मंदिरों का निर्माण करवाया जाए। उन्होंने अपने साम्राज्य में इंदौर में काफ़ी सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था। यहाँ तक कि जो मुस्लिम इन्वेडर्स ने तहस नहस कर दिए थे उनका भी उन्होंने पुनर्निर्माण करवाया। जो प्राचीन सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है उसका भी उन्होंने ही पुनर्निर्माण करवाया था। आज भी इसे पुराना सोमनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव की पूजा के बिना मुंह में वो पानी की एक बूंद तक नहीं जाने देती थी। पहले वो पूजा करती थी, फिर बाद में पानी पिया करती थी। वो इतनी बड़ी शिव भक्त थी कि उनके शासनकाल में जब भी कोई राजाज्ञा जारी होती थी
तो उसके नीचे वो अपना नाम नहीं लिखती थी बल्कि श्री शंकर लिखा करती थी। बताया जाता है कि अहिल्याबाई के बाद भी इंदौर के जितने राजा आए सब ने राजाज्ञा पर श्री शंकर ही लिखा। जब तक भारत आज़ाद नहीं हो गया तब तक राजाज्ञा पर श्री शंकर ही अंकित किया जाता था। जो पैसे थे उन पर नंदी का चित्र था, वहाँ जो रुपए बने उन पर भगवान श्री शंकर का चित्र होता था। मतलब कि सनातन में अपने विश्वास को अहिल्याबाई ने कभी भी किसी से डर कर छिपाया नहीं। उनका मानना था कि अगर आपकी आस्था सच्ची है तो ऊपर वाला सब संभाल लेगा। आज अहिल्याबाई को पूरा देश एक बुद्धिमान दूरदर्शी सोच वाली शासक के रूप में याद करता है और हमेशा रखेगा भी। वो हर दिन अपनी प्रजा से बात किया करती थी। वो कहती थी कि धन दौलत जनता सब भगवान की ही तो दी गई धरोहर है। मैं इनकी मालकिन नहीं हूँ बल्कि बस संरक्षक हूँ। मुझे बस इनको संभालना है और आगे बढ़ाना है। इसी अच्छी सोच के साथ उन्होंने अपने पूरे शासनकाल को चलाया, जो आज भी एक मिसाल है। आप सभी को अहिल्याबाई होलकर की जिंदगी से जुड़ी ये सच्ची कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और फ्यूचर वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलें। जल्द ही फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।